हेलो गाइस, वेलकम टू रिसेंट हिस्ट्री। आज हम का हमारा टॉपिक होगा चंद्रगुप्त सेकेंड, जिन्हें हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, और इसकी टाइमलाइन है 380 से 414 एडी। तो पहला पॉइंट हमारा कहता है कि देवी चंद्रगुप्ता के अकॉर्डिंग जो समुद्रगुप्ता थे उन्होंने सक्सीड किया था रामगुप्ता को, और जो रामगुप्ता थे उन्होंने बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के लिए एक किंग का रोल प्ले किया था। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकेंड आ गए थे, और रामगुप्ता ओनली गुप्ता रूलर थे जिन्होंने कॉपर कॉइन्स को इशू कराया था। रामगुप्ता अ कावर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट किंग एग्री टू सरेंडर हिज क्वीन ध्रुवा देवी टू शाका इन्वेडर। तो जो रामगुप्ता थे, माना जाता है कि वो एक बहुत ही डरपोक किस्म के इंसान थे, और उन्होंने अपनी वाइफ को भी सरेंडर कर दिया था, उनकी वाइफ का नाम था ध्रुवा देवी, शाका इन्वेडर्स को। बट द प्रिंस चंद्रगुप्त सेकेंड द यंगर ब्रदर ऑफ द किंग रिजॉल्व टू गो टू द एनिमी कैंप इन द गाइज ऑफ द क्वीन विद अ व्यू टू किल द हेटेड एनिमी। लेकिन जो उनके छोटे भाई थे चंद्रगुप्त सेकेंड, जो उस समय प्रिंस थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एनिमी के जो कैंप था जहाँ ध्रुवा देवी को ले जाया गया था, उन्होंने वो क्वीन को वहाँ से वापस लेकर आया, और जो वहाँ पर जो एनिमी थे उनको मार दिया था। चंद्रगुप्त सेकेंड सक्सीड इन द किलिंग द शाका रूलर, और चंद्रगुप्त सेकेंड फिर उसके के बाद ही उन्होंने जो चंद्रगुप्त सेकेंड थे उन्होंने रामगुप्ता को सक्सीड किया, शाका जो रूलर थे उनको मार दिया। उसके बाद है चंद्रगुप्त सेकेंड ऑल्सो सक्सीड इन किलिंग रामगुप्ता एंड नॉट ओनली सीज हिज किंगडम बट ऑल्सो मैरिड हिज विडो ध्रुवा देवी। तो जब उन्होंने शाका रूलर्स को ख़त्म किया, उसके बाद उन्होंने जो रामगुप्ता थे उनको भी मार गिराया था, और जो उनकी वाइफ थी उनसे शादी कर ली थी, और जो उनका किंगडम था उसको सीज़ कर दिया था। चंद्रगुप्त सेकेंड एक्सटेंडेड द लिमिट ऑफ द एम्पायर बाय मैट्रीमोनियल अलायंस विद द नागास एंड द वाकाटाकास एंड कॉन्क्वेस्ट वेस्टर्न इंडिया। तो चंद्रगुप्त सेकेंड थे, इन्होंने भी अपनी आर्मी को एक्सटेंड किया था, और इन्होंने भी बहुत सारे मैट्रीमोनियल अलायंस किए थे, मतलब जैसे कि जो नागास थे, वाकाटाकास थे, उनके किंगडम में जो भी उनकी डॉटर हुआ करती थी या प्रिंस थी उनसे शादी कर ली थी, और इसी तरह इन्होंने अपने किंगडम को वेस्टर्न इंडिया में भी फैलाया। इन्होंने शादी करी थी कुबेर नागा से, जो कि नागा डायनेस्टी की थी। तो इन्होंने जो कुबेर नागा थी, जो नागा डायनेस्टी की में थी, उनसे शादी कर ली थी, और जो इनकी खुद की बेटी थी चंद्रगुप्त सेकंड की, प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता उनकी शादी करा दी थी जो वाकाटाका के प्रिंस थे रुद्रसेन सेकंड उनसे। तो नागा डायनेस्टी की जो प्रिंसेस थी उससे इन्होंने खुद शादी कर ली थी, और जो अपनी बेटी थी इनकी प्रभावती गुप्ता, उससे इन्होंने जो वाकाटाका के प्रिंस थे रुद्रसेन सेकंड उनसे शादी करा दी थी। आगे देखते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ द ओवरथ्रो ऑफ द शाका रूलर इन वेस्टर्न इंडिया द गुप्ता एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू द अरेबियन सी। तो जब इन्होंने ओवरथ्रो किया था जो शाका रूलर थे उनको वेस्टर्न इंडिया से, तो अब क्या हुआ था, जो गुप्ता एम्पायर थी उसने एक्सटेंड कर लिया था अपना अरेबियन सी तक, और इस और उन्होंने क्या कराए थे, चंद्रगुप्त सेकंड ने कुछ सिल्वर कॉइन्स को इशू कराया था इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्रीज ओवर शाकास। शाकास को हराने की याद में उन्होंने जो सिल्वर कॉइन थे वो इशू कराए थे, एंड ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन। और ये पहले ऐसे गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन को इशू कराया था, और एक टाइटल को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था सकारी और विक्रमादित्य। उज्जैन सीम टू हैव बीन मेड द सेकंड कैपिटल बाय चंद्रगुप्त सेकंड, या उज्जैन को इन्होंने अपना सेकंड कैपिटल बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है मेहरौली। मेहरौली कुतुब मीनार के पास है दिल्ली में। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन सेज दैट द किंग डिफीटेड द कॉन्फिडेंसी ऑफ वंगास एंड वहीलकास। तो मतलब उसे बताया जाता है किस तरह से इन्होंने जो वंगास और वहीलकास थे उनको हराया था, एंड उनके जो नवरत्न थे, 9 जेम्स समझने बोलते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के, पहले थे कालिदास जो एक पोइट्री लिखते थे जिसमें फेमस है ऋतु संहार, मेघादूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, और ड्रामास हैं वाल्की का अग्निमित्रा, विक्रमो वैश्याम, अभिजन शकुंतलम। सेकंड जैम है इनका नवरत्न में से, जो सेकंड नवरत्न है इनका वो है अमृशन कोशा, जिन्हें ये भी बोला जाता है, और थर्ड नवरत्न है इनका धरावंत्री नवंती कतम मेडिसिन टेक्स्ट, मतलब इसके अंदर जो मेडिसिन टेक्स्ट वगैरह वो लिखा हुआ है। उसके बाद फोर्थ है वरहा मीरा, एंड फिफ्थ है वारारुचि, सिक्स्थ है घटनाकर्ण, एंड सेवेंथ है शापरंग, एट्थ है वेलाभात, और नाइन है शंकु। तो ये इनके कुछ इनके नवरत्न हैं जो काफ़ी फेमस थे। इट वॉज इन द चंद्रगुप्त टाइम द चाइनीज पिलग्रिम फहान विजिटेड इंडिया। तो इन्हीं के टाइम में, चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम में ही जो चाइनीज पिलग्रिम थे फहान, उन्होंने इंडिया को विजिट किया था।
इनके टाइटल क्या क्या थे? देवागुप्ता, देवराजा, देवश्री, परम भगवता, नरेंद्र चंद्र एंड सेन विक्रमा। तो ये इनके कुछ टाइटल्स थे। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन कौन कौन से, इन्होंने जो कॉइन को इशू कराया था किस किस टाइप के थे वो? अश्वरोही टाइप और छत्राधारी टाइप, चक्र विक्रमा टाइप। तो ये कुछ टाइप थे जिस टाइप के इन्होंने कॉइन को इशू कराया था। अब हम पढ़ते हैं कुमार गुप्ता फर्स्ट के बारे में। इनकी टाइम लाइन है 415 से 445। जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उनको, उनके बेटे थे कुमार गुप्ता फर्स्ट, और कुमार गुप्ता फर्स्ट ने ही चंद्रगुप्त सेकंड को सक्सीड किया था। टुवर्ड द एंड ऑफ हिज रीजन गुप्ता एम्पायर वॉज थ्रेटन्ड फ्रॉम द नॉर्थ बाय द हंस। और इन्हीं के टाइम पीरियड में एंड में आता थे क्या हुआ था कि गुप्ता एम्पायर था धीरे धीरे उस पर नॉर्थ साइड से जो हंस थे उनके अटैक होने शुरू हो गए थे। हु वॉज टेम्परली चेक बाई हिज सन स्कंद गुप्त एंड कुमार गुप्ता वॉज अ वर्शिपर ऑफ द कार्तिकेय। और ये जो स्कंद कुंभ के टाइम तक जो जो ये हमले थे ये धीरे धीरे और बढ़ते गए थे। और जो कुमार गुप्ता थे वो वर्शिपर थे किस गॉड के? कार्तिकेय के। एंड ही फाउंडेड द नालंदा महावीरा विज डेवलप इन टू अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। और कुमार गुप्ता ने ये जो नालंदा महावीरा यूनिवर्सिटी के नाम से हम जिसे जानते हैं उसका डेवलप कराया था एक ग्रेट, और उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ग्रेट सेंटर हुआ करता था लर्निंग के लिए। इनके टाइटल थे महेंद्रादित्य, महेंद्र सिंह, अश्वमेधा महेंद्रा। और इनके ओरिजिनल टाइप के गोल्ड कॉइन थे खद गधारी टाइप, गजरोही टाइप, गजरोही सिंह निहांता टाइप, खंग निहांता, जिसमें एग्जांपल राइनोसोरस लेया टाइप, कार्तिकेय टाइप एंड अप्रतिघा मुद्रा टाइप। तो ये कुछ टाइप्स थे जिस टाइप के जो कॉइन इशू कराए थे कुमार गुप्ता फर्स्ट ने। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम स्कंद गुप्त के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।